अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। रोज़े में प्यास से बचने के आसान नुस्खे। रोज़े की हालत में दिन के वक्त पीने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसके बिना पर कई लोग परेशान हो जाते हैं। दर्ज ज़ेल इकदामात करने से प्यास पर काबू पाया जा सकता है। इस मकसद के लिए तीन कामों की ज़रूरत होती है। नंबर एक, चंद अशिया को बिल्कुल छोड़ना पड़ता है, जबकि नंबर दो, बाज़ अशिया के इस्तेमाल में कमी लाना पड़ती है, और नंबर तीन, बाज़ अशिया का इस्तेमाल मुफीद होता है। जिन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना है वो दर्ज ज़ेल हैं। वो ग़ज़ाएँ जो जिस्म से पानी की सतह कम करती हैं, मसलन मसालादार नमकीन अशिया, चावल, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, बाजारी जूसेस और शरबत जिनमें मस्नूई रंग और शुगर की तादाद ज़्यादा हो, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। गर्मी में ना निकलें। अगर मजबूरी की बिना पर गर्मी में निकलना पड़े तो छतरी लेकर निकलें या सर पर गीला तौलिया रख लें। मोटर बाइक चलाते वक्त मुंह और सर को अच्छी तरह लपेट लें। जिन अशिया के इस्तेमाल में कमी लाना है वो दर्ज ज़ेल हैं। सहरी और अफ्तारी में ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। मीठे मशरूबात प्यास नहीं बुझाते, इसलिए इनका इस्तेमाल कम करें। दिन के वक्त मुनासिब आराम करें। नींद ना आए तब भी केलोला की नियत से थोड़ी देर ज़रूर लेटें। इससे एक तो थकावट नहीं होगी, दूसरा सहरी के वक्त जागना आसान हो जाएगा। मिर्च का इस्तेमाल कम कर दें, इससे सीने में जलन नहीं होगी। अफ्तारी के वक्त तली हुई अशिया बहुत कम इस्तेमाल करें। सहरी के बाद हल्की फुल्की वर्जिश या कम अज कम 10-15 मिनट चहलकदमी ज़रूर कर लें। बाद वो अशिया जिनके इस्तेमाल से इंसानी जिस्म को फ़ायदा होता है, नीज़ पानी की शिद्दत भी कम होती है, वो दर्ज ज़ेल हैं। सहरी के वक्त सादा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। कोशिश करें कि सहरी देर से खाएं और खाना खाने से पहले काफ़ी मिकदार में पानी पी लें, ताकि पानी की कमी पूरी हो जाए। अफ्तारी के वक्त भी कोशिश करें कि मशरूबात की बजाय मुनासिब मिकदार में हल्का ठंडा पानी इस्तेमाल करें और पानी से भरपूर सब्जियां और फल इस्तेमाल करें। रोज़ाना मर्दों के लिए 2.50 से 3.7 लीटर और औरतों के लिए 2 से 2.70 लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है। अगर हर वक्त मुंह से बदबू आती रहे, सर दर्द, कब्ज़ की शिकायत, पेशाब की रंगत गहरी होना, थकावट, जिल्द की खुश्की और मसल्स में अकड़ाव पैदा हो तो समझ लेना चाहिए कि जिस्म में पानी की मिकदार कम हो गई है। अफ्तारी के वक्त घर के बने मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करें। मसलन बादाम की सरदाई, जौ का सत्तू, लीमू की स्कंजबीन, कच्ची या पक्की लस्सी, गन्ने का रस, इमली आलू बुखारे का शरबत, आम सेब या केले का मिल्क शेक और शरबत फालसा वगैरह। नीज गन्ने के रस में अगर लीमू, पुदीना, अदरक और स्याह नमक शामिल कर लें तो जायका और लुत्फ दुबाला हो जाता है। नीज गर्मी में तकवीत का बाइस भी होता है। बाज लोग सहरी के वक्त तुखम बलंगू और देसी शक्कर हम वजन लेकर शरबत बनाते हैं और घूंट घूंट पीते हैं, जिनकी बिना पर सारा दिन उनकी गर्मी से हिफाजत रहती है। इसी तरह दूध, दही, खीरा और तरबूज का इस्तेमाल भी प्यास की शिद्दत को कम करता है। शरबत अनार, संदल और शरबत बनफशा का इस्तेमाल भी गर्मी से पैदा होने वाले औरा से बचाता है। बाज लोग प्यास की शिद्दत कम करने के लिए दर्ज ज़ेल टोटका बताते हैं कि तुखम खुरफा कुचलकर दही में भिगो दें और फिर खुश्क कर लें। 3 बार इसी तरह भिगोएं और खुश्क करें और सफूफ बनाकर किसी शीशी में रख दें। रोज़ाना इससे 1 चम्मच इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग खजूर की नबीज इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। नीज दूध में गूंद कतीरा और तखम बलंगू मिलाकर पीने से भी प्यास की शिद्दत में कमी आती है। इसी तरह सब्ज चाय का कहवा जिसमें पुदीना और सब्ज इलायची मिली हुई हो, पीने से भी प्यास की शिद्दत कम हो जाती है। इन सब टोटकों से ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र मुफीद है। ये भी भूख और प्यास की शिद्दत को कम करता है। रमजानुल मुबारक में खवातीन को मेरा मशवरा, अगर आपका सालन थोड़ा सा बचता है यानी 1/8 प्याली, तो इसे फौरन प्लास्टिक के डब्बे में डालकर फ्रीजर कर दें और इसमें रोजाना का बचा हुआ मजीद सालन, मसलन गोश्त, दाल, सब्जी वगैरह
तरह डाल दिया करें। जब ये भर जाए तो किसी दिन उसे आटे के साथ मिलाकर गूंध लें और इस आटे के पराठे बना लें। ये मल्टी विटामिन पराठे जिसमें दाल, गोश्त, सब्जी वगैरह शामिल होंगे, चाय और अचार के साथ खाने में निहायत लजीज लगेंगे और खाने वाले बार बार मांगेंगे। अगर रोटियां बच जाएं तो इन्हें बगैर मोड़े यानी पूरी गोलाई में ही किसी प्लास्टिक शॉपर में डालकर फ्रीजर में रख दें और उस वक्त काम में लाएं जब सिर्फ एक या दो रोटी की जरूरत हो। रोटियां फ्रीजर में काफी अरसे तक खराब नहीं होती। अगर तवे के नीचे धीमी आंच करके एक कतरा ऑयल डालकर पलट दिया जाए तो निहायत नरम पराठा नुमा लजीज रोटी तैयार हो जाती है। अगर माइक्रोवेव ओवन हो तो एक साथ कई रोटियां आधे मिनट में गर्म की जा सकती हैं, जो ताज़ा रोटियों की तरह ही लगती हैं। खवातीन को मशवरा है कि बचे हुए सालन को हतुल अमकान फ्रीजर करने से गुरेज करें, क्योंकि पका हुआ सालन फ्रीज करने पर अपना जायका खो देता है। इसलिए बेहतर है कि आप जो पकाएं उसे एक दो दिन में खा लें, फ्रीजर में ना रखें। बेहतर है कि थोड़ा पकाएं, चाहे बार बार पकाएं, बजाय इसके कि ज्यादा बनाकर आधा फ्रीजर में रख दें। अगर खाना बच जाए तो उसे फ्रीजर के निचले खाने ही में रखें और सोच समझ कर मुख्तलिफ तरीकों से जल्द ही इस्तेमाल में ले आएं।